हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। आजकल जो एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई है वो है कि न्यूजीलैंड के जो फंड्स हैं उसमें बच्चों को क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी रिजेक्शन हाई हैं। रिजेक्शन हाई होने का जो सबसे एक मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वह है आपके फंड्स। तो जितने ज़्यादा आपके फंड स्ट्रांग होंगे, जितनी ज़्यादा आप उसमें क्लैरिफिकेशन दोगे, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप इमिग्रेशन को दोगे, उतना ज़्यादा आपका वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें क्या होता है कि आपने फंड्स दिखा दिए ये जान के कि आपके फंड्स जो हैं वो 3 मंथ 6 मंथ्स ओल्ड हो गए हैं, सो दैट वुड बी सफिशेंट इन ऑर्डर टू गेट द वीज़ा। बट दिस इज़ नॉट द केस। इमिग्रेशन बहुत इस चीज़ पे लेकर स्ट्रिक्ट है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए है और आप फंड्स जो दिखा रहे हो वो 30-35 लाख 40 लाख आप फंड्स दिखा रहे हो, तो वो फंड्स आया कहाँ से है? बिकॉज ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आपकी 5 लाख की ITR है पेरेंट्स की और आपने फंड्स जो शो किया है वो किया है 30-40 लाख, तो वो फंड्स कहाँ से आए, ये इमिग्रेशन को जानना है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने फंड्स जो शो कर दिया है, आपने ITR भी दिखा दी है, बट आपके पेरेंट्स का जो इनकम का सोर्स है वो नहीं है। स्पेशली फॉर द केसेस ऑफ जिन्होंने अपना रीसेंट एक रजिस्ट्रेशन कराया है बिजनेस का, MSME का रजिस्ट्रेशन कराया है और फिर आपने वीज़ा फाइल किया है, उस केस में भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो रीसेंट जो रजिस्ट्रेशन है वो इमिग्रेशन को समझ नहीं आता है कि ये एकदम से बिजनेस कहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि ना आपके पास करंट अकाउंट की स्टेटमेंट है, ना आपके पास और कोई बिजनेस प्रूफ है, ना आपका बिजनेस GST रजिस्टर्ड है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। और स्पेशली जो फंड्स हैं वो आपने बिजनेस को रजिस्टर करने से पहले आपने उसमें डाले हुए हैं, तो वो सोर्स ऑफ इनकम में नहीं काउंट होता है। इन सारे रीजंस की वजह से वीज़ा का रिजेक्शन का जो रेट है वो बहुत हाई है। बहुत सारे काउंसलर्स को भी नहीं पता कि किस तरीके से पूरी फाइल को इमिग्रेशन के सामने रखना है जिससे कि आपका अप्रूवल आए। अभी कल ही एक स्टूडेंट से मैं मिला हूँ जिनके 3 रिजेक्शन हैं, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, द काइंड ऑफ SOP व्हाट दे हैव रिटन इज़ अ नाइटमेयर। उसमें उस कोर्स का, जिस कोर्स के लिए बच्चा जा रहा है उसका नाम तक नहीं है, उस कॉलेज का नाम नहीं है, कॉलेज के नाम की जगह पर लिखा हुआ है अ कैनेडियन कॉलेज और अ बिजनेस। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर ऑफ, दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने जो फंड्स हैं, आपकी जो SOP है उसको बहुत अच्छे तरीके से इमिग्रेशन के सामने रखो। थर्ड पॉइंट इन द लिस्ट इज कि आपने जो इंटरव्यू देना है या फिर आपका इंटरव्यू आएगा, पहली बात, इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं बच्चों का आता है जिनमें इमिग्रेशन को कुछ ना कुछ डाउटफुल सिचुएशन लगती है। अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ भी लगेगा इमिग्रेशन ऑफिसर को कि ये उनकी समझ से बाहर है, देन ओनली दे आर गोइंग टू कॉल यू, अदरवाइज देर इज़ नो वे दे आर गोइंग टू कॉल यू। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज, अगर बच्चे की परसेंटेज लो है, बच्चे का गैप ज़्यादा है, या फिर बच्चे का IELTS का स्कोर बेयर मिनिमम है, फंडिंग क्लियर नहीं है, या फिर उन्होंने अपना CV अच्छे से नहीं बनाया है, SOP अच्छे से नहीं लिखा है, तभी बच्चे को इंटरव्यू आ रहा है, अदरवाइज बच्चे को इंटरव्यू नहीं आ रहा है। स्मूथली ईजीली वीज़ा आ रहे हैं अगर आपकी फाइल अच्छे से प्रेजेंट की गई है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फाइल को इस तरीके से इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने रखिए जिससे कि उनको ये समझ आए कि आपका केस एग्जैक्टली क्या है, आपका पर्पस जो है इस पूरे प्रोग्राम को करने का वो क्या है, आपने क्यों न्यूजीलैंड को चूज़ किया है, आपने क्यों ये कंट्री चूज़ की है, ये कोर्स चूज़ किया है, ये कॉलेज चूज़ किया है। जब तक आप इन सभी चीज़ों पर फोकस नहीं करोगे आपको वीज़ा नहीं आएगा। रेलेवेंसी ऑफ कोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा और फॉर द मैटर एनी कंट्री। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी फाइल को रखना है, तभी इमिग्रेशन को आपकी फाइल को समझ आएगी और तभी वो आपको वीज़ा देंगे। हमारे जो खुद के बच्चे हैं वो
कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि सर जो है वो इतने डॉक्यूमेंट क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपकी फाइल लगाना नहीं है कि किसी तरीके से हम आपकी फाइल लगा दें, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपका वीज़ा लें, और वीज़ा लेने के लिए जितनी भी लर्निंग है हमारी इमिग्रेशन को लेकर, उनके जो भी पोटेंशियल डाउट्स हो सकते हैं उनको हम आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और इसी स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा डिटेल में कोर्सेज कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, वीज़ा की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड, सो दैट आई वुड बी एबल टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली मैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, किस तरीके से वीज़ा आ रहे हैं, किस तरीके से क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको भी अगर अपनी फाइल हमसे प्रोसेस करानी है तो आप टाइमली अप्लाई करिए, हमारे काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे, आपकी प्रोफाइल को समझेंगे और हम आपको पूरी शिद्दत से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अदरवाइज देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन थ्रू व्हिच यू गाइस कैन गेट इन टच विद अस एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसके थ्रू आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।